हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, थर्ड एड की तैयारी हम लोग करने में जुटे हुए हैं, पर तैयारी करने के लिए किताबें कौन सी रेफर करनी चाहिए, बुक्स कौन सी देखनी चाहिए, तो वो थोड़ा आज समझते हैं हम लोग। बट किताबें आप डिसाइड करने से पहले आप पेपर एनालिसिस कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के पूछे जा सकते हैं। वो सारा एनालिसिस करने के बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी बुक पढ़ने हैं। डायरेक्टली बुक पे जंप करेंगे ना तो गलत फहमी में रहेंगे और आपको नंबर अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो पहले चीज़ें समझ लो कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एग्ज़ाम है क्या, उसमें किस तरह का सिलेबस है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही किताबें डिसाइड करनी होती है। रोज़ आपको एनालिसिस का वीडियो यूट्यूब पर मिल ही रहा है वैसे तो, अगर यूट्यूब पर देखेगी ना तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको मिलेगा एनालिसिस सिलेबस का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बुक्स का देख ही लेते हैं। जो हमारी थर्ड डेट है, थर्ड डेट के जो बुक्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। थर्ड डेट, TAIT डेट, ठीक है। कोई सिंगल बुक तो है नहीं इसके लिए, अगर आपको कोई बोलेगा कि कोई सिंगल बुक्स में होना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब आपको अलग अलग सोर्स से ये तैयारी करनी पड़ेगी, जब भी मुकम्मल तैयारी हो सकती है इसकी। आज हम लोग इंग्लिश और उर्दू मीडियम के हिसाब से किताबें कौन सी देखने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो देखते हैं। देखो, उर्दू के लिए तो कोई रीजनिंग के लिए स्पेसिफिक बुक तो है नहीं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी तो है और मराठी के लिए तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। बट रीजनिंग के लिए उर्दू मीडियम में कोई नॉलेज भी मेरी नहीं है, तो कहाँ से करने का। तो जो जो फिफ्थ क्लास, फिफ्थ है और जो एट क्लास, तो उसकी जो स्कॉलरशिप के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर आपको कुछ हद तक स्कॉलरशिप के एग्जाम है ना, वहाँ तक कुछ हद तक आपको मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए वहाँ पे मिलेगा, मतलब दोनों के लिए। यहाँ पे मैं मैथ्स भी लिख देता तो चलेगा, ऐसा यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैथ्स, ठीक है। तो उसके लिए, दोनों के लिए क्या है, आप कर सकते हैं फिफ्थ और एट क्लास की जो स्कॉलरशिप की बुक्स है उसमें देखते हैं। बट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने वाला है। देखो, आपके जो एग्जाम लेने वाला है, ये थर्ड एट जो एग्जाम होने वाले है, ये इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है कि IBPS ले, वो IBPS ले, तो आपको IBPS के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। उसके हिसाब से ये देखो, इसमें कवर होता है, उर्दू में लिखा है अपन, पूरा कवर नहीं होता इसमें, बहुत कम है इसमें, मतलब आपको 40% तक मिलेगा। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी आपको ये सब चीज़ें समझने के लिए, तो पूरी तरह नहीं हो सकती। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए, तो कोई दूसरी बुक लेनी पड़ेगी जो इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि मैथ रीजनिंग है ना, इंग्लिश में भी समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बुक है जो काम में आती है, वो है RS अग्रवाल की, RS अग्रवाल की बुक है। तो ये बुक है, ये आपको देखनी है मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका नजदीक 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 70% सिलेबस कवर हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों में आपका 70% सिलेबस यही कवर हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आपके लिए कोई अच्छी बुक हो। RS अग्रवाल की दोनों की बुक है, एक आपको मैथ्स के लिए भी अच्छी बुक मिल जाएगी इसकी और रीजनिंग के लिए भी अच्छी। इतना है कि इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा आपको और कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाता, कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू के लिए कोई है नहीं स्पेसिफिक बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँ या बताने की कोशिश करूँ। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो RS अग्रवाल की बुक से दोनों ही है, थोड़ा ज़्यादा है, बट आप सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा उसमें से। मतलब जितना उसमें दिया है उतना नहीं पढ़ना है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी है जो कि आपको नहीं पूछी जाती, बट बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है जो इसमें से हो जाएगा। ज़्यादा है पर कम नहीं है। हाँ, कितना पढ़ना है ये आपको पेपर एनालिसिस से समझ में आएगा आपको कितना करना है, तो ठीक है, मैं भी बता दूंगा कभी टाइम मिला तो। ये मैथ और रीजनिंग के लिए हो गया हमारा काम। तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो ये वाला हो गया है इधर का, RS अग्रवाल का। और उर्दू मीडियम के लिए क्या कर सकते हैं, ये स्कॉलरशिप के बुक के साथ साथ RS अग्रवाल की बुक देख सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता, हाँ, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे उर्दू में, मतलब कंप्लीट इनके दोनों सब्जेक्ट के लिए जो है, तो जो अपनी क्लास के नोट्स हैं तो वो कंप्लीट उर्दू में मिल जाते हैं, तो वो वहाँ से हो जाता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद में आपके लिए ज़रूरी हो जाता CDP, है ना। CDP मतलब साइकोलॉजी, CDP लिख देता हूँ मैं, जो साइकोलॉजी पे पूछे जाते हैं। अगर आपने पेपर अच्छे से समझा होगा 17 का भी और 23 का भी, तो जो CDP के क्वेश्चन है, जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, वो अप्लाइड क्वेश्चन थे। मतलब एक टीचर जो है, टीचर का एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, तो वो अप्रोच और उसकी जो पर्सनालिटी है उसको लेकर सवाल पूछे गए थे पूरे। तो ये इसकी स्टडी आप एक तो CTET में आप जो करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है आपकी।
तो वो जो वहां से कवर हो जाता, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं पूरे। एक बात याद रखना, थ्योरी पे कुछ सवाल नहीं पूछता, कि जो थ्योरी हम लोग सीटेट में पढ़ते हैं, प्याजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, वो तमाम जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी थ्योरी हमको नहीं पढ़नी है, बट उनकी जो सीडीपी का जो पार्ट है, पेडागोजी का पार्ट है, उसमें से बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, बट वो अप्लाइड होते हैं पूरे पूरे। तो आपको सीटीटी का सिलेबस करने की जरूरत नहीं है महाराष्ट्र के बच्चों को, क्योंकि हम लोग वो पास हो चुके, पास हो करके आ चुके हैं। आपको पढ़ना क्या है, तो आपने क्या करना है, जो डीएड की जो बुक है, डीएड की फर्स्ट ईयर में आई थिंक किताब होती है साइकोलॉजी की, उर्दू मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आपको वो करनी है। वहां से भी आपको थ्योरी नहीं करनी है, याद रखना थ्योरी पे सवाल नहीं पूछता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी डीएड की जो साइकोलॉजी की किताब है, जो साइकोलॉजी की किताब है, तो वो आपको पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है। उसमें से थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ जो उसका बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है, जो टीचर का जो अप्रोच है उसको लेकर भी पढ़े तो काफी है। तो ये दोनों मीडियम के लिए भी हो जाएगा आपका, इंग्लिश मीडियम में भी है ये जो है, तो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका एक काम हो जाता। याद रखो थ्योरी नहीं पढ़नी, याद रखना इतनी चीज, नहीं तो थ्योरी पढ़ते बैठेंगे पूछेगा नहीं एग्जाम में, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में तीन लैंग्वेजेस आती है, पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स रेफर करने की, इंग्लिश के लिए बुक्स तो देखो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, कुछ दो तीन टॉपिक ही है जो पूछता है, जैसे कि एक पूछेंगे आपको, एक तो टेंस पे सवाल पूछता है, टेंस, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इस पे सवाल पूछेंगे, और उसके बाद में कुछ एरर के क्वेश्चन आते हैं, एरर के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद में सारा वोकैब पे आता, वोकैब। तो इसके लिए कोई भी बुक्स आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर लो मिल जाएगा उसमें। इतना आपको याद रखना है कि ये जो वोकेबलरी का पार्ट है ना, ये आईबीपीएस का अपना जो नेचर है उसको ध्यान में रखकर ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आईबीपीएस है ना, आप एक अलग तरह की वोकेबलरी पूछता है वो हमेशा, तो उस लिहाज की वोकेबलरी आपको पढ़ना पड़ेगी, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से मिल जाएंगे वोकेबलरी, या फिर आप आईबीपीएस की कोई भी बुक देखेंगे ना, उसमें से आप ये वोकैब का पार्ट ले सकते हैं। और ग्रामर आप किसी से भी पढ़ो, अभी किसी में भी पढ़ो, आपको मिल जाएगा उसमें। इसके लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें जो बाड़ा साहब शिंदे है, शिंदे सर की किताब है शिंदे, तो ये ठीक है, ये इसमें मतलब हो जाता, थोड़ा कवर कर लेता, उसमें ये वोकेबलरी भी काफ़ी कुछ है। बट याद रखो कि अगर बाड़ा साहब शिंदे की किताब आप पढ़ेंगे इंग्लिश की, तो उसमें बहुत सारा मतलब बड़ी किताब है, बहुत सारी डिटेल दी, आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको ये गिने चुने टॉपिक पढ़ने हैं और वोकेबलरी पढ़ना है उसमें से भी। वोकैब भी कौन सी, जो आईबीपीएस ओरिएंटेड है, वहाँ वो बताता है कि आईबीपीएस ओरिएंटेड है कौन सी नहीं है, तो जो उसका पुराना पैटर्न था, पुरानी किताब नहीं, अभी नए पैटर्न में वो थोड़ा सा जो आईबीपीएस और टीसीएस के अकॉर्डिंग वो किताबें निकालने लगे हैं, तो वहाँ पे आपको वोकेबलरी मिलेगी, मतलब दोनों ही चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी आराम से, ठीक है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अलग से करने का है, तो फिर आप आईबीपीएस की प्रीवियस क्वेश्चन की जो भी प्रीवियस ईयर की जो भी आईबीपीएस की है, उसमें उसका वोकेबलरी का पार्ट होगा ना, वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा उसमें, तो बहुत ज़्यादा करना नहीं उसमें, इसलिए ये कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट मराठी, मराठी जो करनी है वो मराठी तो बहुत स्पेसिफिक है, वही शिंदे है ना, बाला साहेब शिंदे सर की किताब ले लेना, शिंदे सर की किताब मिल जाएगी आपको, ठीक है, मराठी के लिए भी वही बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर भी फिर वही बात है इंग्लिश की तरह, कि आपको बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, जैसे कार्ड पढ़ना है, शब्दांश जाति हो गया, उसके अलावा शब्दार्थ पढ़ना, ये तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ सकते हैं मराठी में यहाँ पे, इसमें से एक तो कार्ड पढ़ना है आपको, कार्ड, उसके बाद में शब्दांश जाति, ये भी पूरे शब्दांश जाति 8 के 8 नहीं करना है, और एक करना है आपको इसमें से शब्दार्थ, बस इतना ही करना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी किताब है, इतना लिमिटेड करके हम लोग अपना मतलब अपना काम हो जाता है, ठीक है। शब्दार्थ थोड़ा संभल के करना, आईबीपीएस के अकॉर्डिंग वापस नहीं, कुछ नहीं, मराठी में घुमा फिरा की दो ही किताबें हैं, वाड़म्बे सर की किताब है और एक शिंदे सर की किताब है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी रेफर करे तो। बट याद रखना पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको, सीधी कुछ गिने चुने टॉपिक ही करने हैं उसमें से, जिसपे सवाल पूछता है। अगर आप इस बार का जो मराठी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, वो पूरा अप्लाइड क्वेश्चन था, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में मराठी के इस्तेमाल में आने वाले सेंटेंसेस या वर्ड्स, मतलब वाक्य और शब्दों पर सवाल पूछे थे, तो उसके लिए ये इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं थे इस बार 23 में, बट आपको थोड़ी मराठी आती तो उसका अप्लाइड क्वेश्चन थे जो सिंपल सिंपल थे, तो वो आपको मतलब वो अप्लाइड क्वेश्चन क्या रहते हैं कि फिक्स नहीं रहते, वो जनरल सवाल आते हैं उस पर, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
आपको टेंस पता होना चाहिए, शब्दों की जात पता होना चाहिए, थोड़ा शब्दार्थ वगैरह आपका होना चाहिए, उसके बेस पे वो सारे आंसर आते। इतना सिंपल था मराठी का, इतना सिंपल था, जिसको थोड़ी मराठी आती, मतलब मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, आम बातचीत जिसको आती है थोड़ी मराठी की समझो, उसके लिए बहुत सिंपल था। क्योंकि आम बातचीत करने वाले कम्युनिकेशन के सवाल पूछे थे उसमें ज्यादातर, और कुछ शब्दार्थ थे उसमें, तो वो सभी को आते। अब मसला उर्दू और इंग्लिश मीडियम वालों का है, उनकी मराठी अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए ये पढ़ना जरूरी हो जाता है उनको, क्योंकि एक बेसिक सेंस आने का। ज्यादातर जो सवाल थे वो टेंस के बेस पे ही थे, टेंस के बेस पे थे, टेंस आपको समझ में आता तो बाकी, मतलब टेंस मतलब कार्ड, तो बाकी चीजें आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आनी थी उसमें, तो इसलिए वो है। तो आप क्या कर सकते हैं, शिंदे सर की किताब देखिए, उसमें भी सिलेक्टेड चीजें पढ़ी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में आता उर्दू, उर्दू के लिए क्या करना है, उर्दू का बेसिक्स ग्रामर आता है इसमें देखो, और वोकैबुलरी आती है। तो इसमें जो आपके स्कूल स्कूल लेवल के जो भी, स्कूल लेवल के जो भी ग्रामर है ना, ग्रामर होगा इसमें, स्कूल लेवल का ग्रामर 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों में, उसमें से आप निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि अब मुझे खुद पता नहीं इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उर्दू का, या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे कि क्या कैसे करने का इसके बारे में। उसके बाद में आता जीके, जीके देखो, जीके में अगर आप 23, 17 और 23 की दोनों की बात करेंगे, तो एक बहुत कॉमन था जिसपे पूछे सवाल पूछे थे, वो था साइंस। साइंस पे दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया, दो अब कौन सा साइंस, तो बहुत जनरल, इसमें भी बहुत जनरल साइंस, जो हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो सवाल है ना, बेसिक्स है, बेसिक्स है। अब देखो इसको ना मैं आपको अभी इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकता कि किस पे सवाल पूछे जा रहे थे, तो मैं आपको अलग लेक्चर में बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या करना है, वो सॉरी साइंस में हमको क्या करना है। बहुत कम पढ़ना है, पर वो कौन सा पढ़ना है वो डिसाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो जो पूछता है ना वो बहुत डीप में नहीं पूछता, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं साइंस में जो यूज़ होते हैं, उसके अलावा कौन कौन सी यूनिट्स है, उस पर सवाल पूछता है, और बेसिक साइंस पूछता है, बहुत डिटेल में जाके टॉपिक कवर करके बहुत पूछता है ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर का पूछता है जो बेसिक्स होता है, तो वो मैं अलग समझाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, जीके में साइंस पढ़ना है, उसके अलावा आपको पढ़ना है जीके में आपको अपनी जो जनरल पॉलिटी है तो वो पढ़ना है। मतलब जनरल पॉलिटी में क्या आएगा, आपका पार्लियामेंट आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके बाद में पार्लियामेंट आएंगी, उसमें प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, पार्लियामेंट के सारे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगा, बेसिक चीजें इसके, बहुत डिटेल नहीं, बेसिक्स 2 दिन में पूरा कवर होता है ऐसा। फिर स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर क्या है, फिर असेंबली क्या है, फिर जो सीएम क्या है, वो सब हाईकोर्ट हो गया, वो ये बेसिक सवाल इसमें से, एमएलए क्या है, एमपी क्या है, उनकी एज के लिए क्या, बहुत फंडामेंटल और बहुत बेसिक्स, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, पर सवाल अभी बीच बीच में आते हैं जो कि 2 दिन में हो सकता है आपका पढ़ के, अगर आपका प्रॉपर एनालिसिस है तो। उसके बाद में पढ़ना है आपको बेसिक ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी बेसिक क्या पढ़ना है आपको, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा क्या है ना, सबसे लंबी लंबी रिवर कौन सी है, डेजर्ट सबसे बड़ा कौन सा है ना, पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, खारे पानी का तालाब का, ऐसी बेसिक्स ज्योग्राफी, जीके टाइप ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, वो डिटेल। अब ये करना कहाँ से, तो इसके लिए देखो, इसके लिए अपने जो जो बुक्स है, जो स्टेट स्टेट बोर्ड के जो बुक्स है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी जानकारी, स्टेट बोर्ड की बुक्स आप आराम से कवर कर सकते हैं। इतना ही करना है। 2017 में और 23 में साइंस पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे, अच्छे खासे मतलब कम ही थे, पर इस पर कन्फर्म पूछा था। उसके बाद में अगर आप बात करें 17 में ये बाकी सब्जेक्ट की, तो 17 में और 23 में इनमें बहुत फर्क पड़ा। 17 में कंप्यूटर पे भी 4-5 सवाल पूछ रहा था, बट अभी जो 23 में सब गायब थे, तो अभी हमें पता है कि ये कंफर्म पूछ रहा है, तो हम लोग इसका ही देखेंगे। और भी सब्जेक्ट आ जाते जीके में, पर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स अभी के लिए पूरा नहीं, जिस दिन बॉडी डिसाइड हो जाएंगी कि कौन सी एग्जाम लेने वाली है, तो उस दिन हम सब सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी आपको ये सब चीज़ों की, ओके। और उसके साथ साथ अगर आप क्लास अगर ज्वाइन करेंगे, क्लास स्टार्ट होने वाली, अपनी जो क्लास रहेंगी उसमें हम लोग सब ये एनालिसिस करके इसके नोट्स अवेलेबल करा के देते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी, सारे नोट्स हैं। मतलब ये जो जो आप देख रहे थे ना, इसमें ये इसमें से इसी में से या फिर कुछ और अच्छे अच्छे सोर्सेज से हम लोग पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है उसके अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पूरा सिलेबस को एनालिसिस करके पूरा बनाते हैं उसको, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको नोट्स मिलेंगे, एल्स हम बाहर के स्टूडेंट्स को जनरली प्रोवाइड नहीं करते। उसमें अभी हम लोग बैचेस शुरू करने वाले हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम की, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। 25 तारीख से बैच शुरू होने वाली है, उसमें लाइव लेक्चर रहेंगे, डेली लाइव लेक्चर कर सकते हैं आप, 3 लेक्चर रहेंगे डेली, उन सारे के रिकॉर्डेड लेक्चर होती है,
सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं आपको, फिर हम लोग टी सीरीज वगैरह वो सब करते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमारा 17 में, जो अभी जो 23 में एग्ज़ाम हुए उसमें हमारे काफ़ी बच्चे लगे हैं क्लास के। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो में सारे बच्चों के नंबर्स के साथ लिस्ट डाली है, और अब मैं सारे बच्चों का बताने वाला हूँ कि कौन कहाँ सिलेक्ट हुआ, पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अभी जो कन्वर्टेड राउंड है इसमें 100+ बच्चे तो सिलेक्ट होने ही अपने, और इससे पहले कुछ 60+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, तो पूरी डिटेल हम सामने आने वाले हैं आपके सबके। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, हम लोग 4-5 साल से पढ़ाई रहे तो सब चीज़ों की समझ है, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो अगर क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप यहाँ ये एड्रेस पे आके मिल सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। आपको सारे नोट सारी चीज़ें, जब एक बार क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 100% हम लोग आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करा के देते हैं, और आपको इधर उधर अलग सोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हो जाता है सब। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब बच्चों को पता चलना चाहिए कि कौन सी बुक्स कैसे रेफ़र करनी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय।